वेन डायग्राम होती क्या है सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है, क्या मैंने बनाया है। वेन डायग्राम इसलिए यूज़ होती हैं कि जैसे आप ऑपरेशन बता रहे हो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो सेट मौजूद हैं, आपने उनका इंटरसेक्शन निकालना है, कुछ कॉमन एलिमेंट उनके अंदर आ गए, तो ये तो बात होगी। आपने कैलकुलेशन करने के बाद बता दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी ये है, कि ये कॉमन एलिमेंट जो है इसको आप बोलोगे इंटरसेक्शन है। वेन डायग्राम्स होती हैं कि आप एक पिक्चर के जरिए से बताते हो कि ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कंसीडर कर लो एक सेट ए है, ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ, पर एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, ये एक सेट ए है। फिर एक और सेट है सेट बी, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है, जो ए सर्किल है पूरा, पहला वाला सर्किल जो है ये सेट ए को शो कर रहा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 3, या 3 4 5 आप बोल दो। अब अगर आपने इन दोनों सर्किल को बनाया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है और इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, इस सर्किल को इस तरीके से ओवरलैप कर लोगे। अब आप उस पोर्शन को हाईलाइट कर दोगे, उस पोर्शन को आप क्या कहते हैं, स्केच कर दोगे, या आप उसको अंडरलाइन, जो भी कह सकते हो आप, शेड कर दोगे उसको, जो रिक्वायर्ड आपसे सवाल में पूछा गया है। अगर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी आपको पता है 3 के बराबर है, ठीक है। अब इसको आप डायग्राम से कैसे शो करोगे, ये जो 3 है ना, इसको आप शेड कर दो, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से आपने बताया कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये आप रिटन में इस तरीके से सॉल्व करोगे, एंड पे आप बताओगे 3 है, और डायग्राम से अगर आप शो करना चाह रहे हो तो जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन इनके अंदर रीजन है, तो ये पूरा रीजन जो है ये इनका कॉमन है, इसको आप शेड कर दोगे, और ये आप डायग्राम के जरिए से बता दोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम में आप ऐसे ही करते हो, वेन डायग्राम में आप सर्किल्स बनाते हो, जैसे 3 सेट हैं, तो आप क्या करोगे, 3 सर्किल बना दोगे, और एक आप बनाओगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है वो शो करेगा कोने पे, मैंने यू लिखा, मैंने एक यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो छोटे छोटे सेट आपने कंसीडर किए हैं, जैसे आपने ए और बी कंसीडर किए हैं, तो इनमें जो भी एलिमेंट है वो यू के अंदर मौजूद है, प्लस यू के अंदर कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी होंगे, तो यू एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसको आप इस रेक्टेंगल से शो करते हो, तो रेक्टेंगल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और जो छोटे छोटे सर्किल आप जो डिफरेंट सेट होंगे ना, ए बी सी डी जो भी हैं, उनको आप इस सर्किल से शो करोगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम का। अब देखो आपके, अगर आप सेट को क्लासिफाई करो ना किसी भी दो सेट को, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, कि या तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट मतलब उनके दरमियान कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दूसरी कैटेगरी कि वो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब कुछ एलिमेंट जो है वो उनके अंदर कॉमन है, और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे के सबसेट हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए जो है वो सबसेट बन गया बी का, या अभी भी बोल सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पॉसिबिलिटी 3 है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो वो डिसजॉइंट है, या वो ओवरलैपिंग है, या वो सबसेट है। तो जो 3 बेसिक केस है ना, इससे रिलेटेड मैंने वेन डायग्राम बना दिए, 3 बेसिक केस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, और जो ऑपरेशन है, मतलब इन तीनों केसेस में दो सेट के दरमियान जो ऑपरेशन होंगे वो कितने टाइप के होंगे, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, एक नई चीज़ है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी हम एक बेसिक केस डिस्कस करेंगे किसी भी दो सेट के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा अगर 3 सेट हैं, अगर उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, या डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद बताऊंगा। अभी बस आप बेसिक केस कंसीडर कर लो। अगर आप बात करते हो कोई भी दो सेट जो डिसजॉइंट है, तो सबसे पहली चीज़, अच्छा ये जो आखिरी कॉलम है मुझे यहाँ पे लिखना था लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो फिर मैंने एंड पे लिख दिया था। कोई भी दो डिसजॉइंट सेट है, देखो आप, मैंने बात की है कि वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और बाकी सर्किल्स होते हैं जो सेट को शो कर रहे होते हैं। अब अगर वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं तो उनको आप अलग अलग बनाओगे, इसलिए क्योंकि उनके दरमियान कोई कॉमन ही नहीं है ना। इस वक्त तो आप उस वक्त बनाओगे ना जब उनके दरमियान कुछ कॉमन आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप इन दोनों को क्या करोगे, अलग अलग बनाओगे। आप कोई भी दो सेट डिसजॉइंट हैं और आप उनका यूनियन निकालो, तो यूनियन क्या होगा, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा बोर्ड पूरा ऑक्यूपाई हुआ है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है लेट से
थ्री फोर, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट होंगे, वन टू थ्री फोर। मतलब अब है तो ये डिसजॉइंट ना, तो यूनियन क्या होगा, ए के एलिमेंट लिखो, ए के एलिमेंट आ गए, और फिर आप बी के एलिमेंट लिखो। जब दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो डायरेक्ट आप ए के एलिमेंट लिखोगे और बी के एलिमेंट लिख दोगे। तो इस वेन डायग्राम में आप कैसे शो करोगे भाई, जो वन टू एलिमेंट है वो किसके थे, ए के थे ना, तो लेट कर लो ए में कोई आपके पास वन और टू एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो आपने ए को पूरा शेड कर दिया। इसी तरह अगर आप बी की बात करो, बी में कितने थे, थ्री फोर, वो भी आपने शेड कर दिया। आप ए और बी को शेड इसलिए करोगे क्योंकि अगर आप इनका यूनियन देखो तो उसमें ए के एलिमेंट भी हैं, उसमें बी के एलिमेंट भी हैं। तो अगर आपने यूनियन को शो करना है, आप क्या करोगे, इन दोनों सेट को हाईलाइट कर दोगे। ये बात हो जाएगी सिंपल यूनियन की। अब अगर आप इंटरसेक्शन, अच्छा डायग्राम में आपने देखा ना, डायग्राम में आप दोनों जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं, इसका मतलब ये जो चीज़ शो कर रही है यूनियन को शो कर रही है। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करो तो अब देखो उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट ही नहीं आ रहा। कॉमन एलिमेंट मतलब अगर कोई ना आए तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, उसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को आप डायग्राम से कैसे शो करोगे, आप कर ही नहीं सकते। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट जो है, ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका मतलब आप डायग्राम में कुछ भी शेड नहीं करोगे। लेट से अगर कुछ कॉमन होता तो आप कॉमन वाले रीजन को शेड कर देते, लेकिन जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो आप शेड ही नहीं करोगे किसी को। फिर तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस का। डिफरेंस क्या होता है, अच्छा मैंने बताया डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए माइनस बी अलग हो जाएगा, बी माइनस ए अलग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि आप ये जो एग्जांपल दी थी इसमें से आप ए माइनस बी फाइंड करो, ए माइनस बी क्या होता है कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद हैं उनको कैंसिल कर दो ए में से। अब बी के जितने एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी ए के अंदर मौजूद ही नहीं है, बी में थ्री फोर है, ए के अंदर वन टू, तो B का कोई भी एलिमेंट A के अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब A का कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। A माइनस बी का रिजल्ट A के बराबर ही आ जाएगा। तो A माइनस बी क्या है, पूरा A सेट के बराबर है। तो मैंने क्या किया, A सेट को शेड कर दिया। फिर अगर आप यहां पे B माइनस A निकालोगे, B माइनस A का मतलब क्या होगा, B माइनस A का मतलब होगा जो A के एलिमेंट B के अंदर मौजूद है तो उनको B में से कैंसिल कर दो। अब A का कोई भी एलिमेंट B के अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब B के कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट B का कैंसिल नहीं होगा तो रिजल्ट इसका B के बराबर ही होगा, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो B माइनस A में आप क्या कर दोगे, B को शेड कर दोगे, ठीक है। तो दो अलग केसेस हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं है ना, A माइनस B में A शेड होगा, B माइनस A में B शेड होगा। और आखिरी केस है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ईजी, उसकी डेफिनेशन मैं बता दूँ कि एक होता है ना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, जो सेट है उनमें आप जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख रहे होते हो, कोई भी दो सेट है ए और बी, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आप इंटरसेक्शन में लिख रहे होते हो। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करते हो कि आप उन दोनों सेट के जो भी एलिमेंट है वो लिखते हो। जैसे ए के भी आपने एलिमेंट लिखे, बी के भी आपने एलिमेंट लिखे, इन सिंपल लैंग्वेज आपने उन दोनों का यूनियन लिया। उसके बाद यूनियन लेने के बाद जो उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है ना उनको आप निकाल देते हो। जैसे अगर मैं सेट कंसीडर करूं, मैं इस तरह कर देता हूं 2 4, ठीक है। अब अगर आप इनका यूनियन लोगे तो यूनियन क्या आएगा, 1 2 4, ए और बी का जब आप यूनियन लोगे तो 1 2 4 आएगा। इस यूनियन में से आप जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको माइनस कर दोगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। तो इस यूनियन में से आपने कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिया। अब जो 1 4 आया ना, इसको आप बोलोगे सिमेट्रिक डिफरेंस। इन शॉर्ट दोनों सेट के आप एलिमेंट लिखो, जो कॉमन है उनमें उनको आप हटा दो। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, अच्छा शो हम करते हैं डेल्टा से। इसको एक ट्राइंगल बनाया होता है, और होता क्या है कि ए यूनियन बी आपने यूनियन लिया, फिर आपने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उनको आपने माइनस कर दिया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट की। तो अगर आप डिसजॉइंट सेट को देखो, जो मैंने एग्जाम्पल दी हुई थी ये, अब जब इसमें आप यूनियन लोगे तो यूनियन किसके बराबर होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस यूनियन में से आप वो वाले एलिमेंट माइनस करोगे जो कॉमन है, और जरा ध्यान से देखो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यूनियन में से कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। तो जो यूनियन था ना ए यूनियन बी, आप उसको पूरा हाईलाइट कर दो। तो जो इसकी डायग्राम थी सेम सिमेट्रिक डिफरेंस की, वही डायग्राम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहां पे एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब ए यूनियन बी से आपने कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं किया। जब माइनस नहीं किया तो ए यूनियन बी की डायग्राम जो आपने बनाई थी
वही एज इट इज बना दोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो डिसजॉइंट वाला सीन था वो पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड केस में आ जाओ, अगर वो दो सेट ओवरलैपिंग है, मतलब कुछ ना कुछ उनमें कॉमन आ रहा है, तब यूनियन को कैसे शो करोगे? देखो, यूनियन को आप हर दफा ये शो करते हो कि आप ए और बी के एलिमेंट लिख देते हो, ठीक है। अब यहां पे ए पूरा ये वाला सेट है, ठीक है, और बी पूरा ये वाला सेट है, तो आप इसको आंखें बंद करके ए और बी दोनों को शेड कर दो, क्योंकि यूनियन में दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। अगर आप बात करो इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट। अब ए और बी में ये जो रीजन है ना ये वाला, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग का मतलब जैसे 1 2 ए है और बी क्या होगा 2 3। ओवरलैपिंग में होता है कि कुछ ना कुछ इनमें कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आप इसकी डायग्राम बनाओगे, ए में आएंगे 2 एलिमेंट और बी में भी कितने आएंगे? 2 2 3। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए वाला सर्कल जो है इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2, और बी वाले सर्कल में 2 एलिमेंट आ रहे हैं 2 3। इसमें जो कॉमन है वो क्या है? 2 है। तो कॉमन वाला रीजन ये होता है, इसको आप पूरा हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन वाला रीजन होगा ना, इसको आप हाईलाइट कर दोगे। अच्छा, अब आ जाओ ए माइनस बी पे। अगर कोई दो सेट ओवरलैपिंग है और अगर आपने ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी का मतलब होगा कि जो सेट ए है ना, ए माइनस बी का मतलब होगा जो सेट ए है उसमें से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो बी के अंदर मौजूद है। अब सेट ए में जो 2 एलिमेंट है ना, वो बी के अंदर मौजूद है, आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब सेट ए में से आपने जो कॉमन वाला रीजन था ना, उसको हटा देना है। अब ये ए और बी हैं। अगर आप इस ए सेट को कंसीडर करो, तो ये जो रीजन है ना छोटा सा, ये कॉमन है, ठीक है। मतलब आप जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको कैंसिल करते हो ना ए में से, तो पूरे ए सेट में से जो कॉमन वाला रीजन था उसको आपने हटा दिया, तो बाकी क्या बचेगा? ये जो मैंने हाईलाइट किया है, बस कॉमन वाले रीजन को आपने क्या कर देना है? यहां से हटा देना है, क्योंकि कॉमन वाला एलिमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो जस्ट ए को आपने हाईलाइट करना है, जो कॉमन वाला रीजन है वो वाला पार्ट ए का आपने हाईलाइट नहीं करना, उसके अलावा आपने हाईलाइट कर देना है। और अगर आप यहां बात करो बी माइनस ए की, अगेन जो सेट बी है उसमें से कॉमन वाले एलिमेंट माइनस कर दो, 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, माइनस कर दिया, तो अगेन पूरा सेट बी शेड होगा सिवाय वो हिस्सा जो कॉमन है। ये पूरा हिस्सा जो है ये कॉमन है, इसको आपने माइनस कर दिया, बाकी जो भी बी है उसको आप शेड कर दोगे। तो ये डायग्राम हो जाएगी डिफरेंस की। उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक डिफरेंस। अगेन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? आप ए और बी पूरे को हाईलाइट कर देते हो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में आप यूनियन से माइनस कर देते हो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन वाले रीजन को आप, ये कॉमन वाला रीजन होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में पूरे ए यूनियन बी में से जो कॉमन वाला हिस्सा है ना, उसको आप हटा दो। तो कॉमन वाले हिस्से को देखो मैंने हटा दिया, बाकी जो भी होगा उसको मैं क्या कर दूंगा? शेड कर दूंगा, ठीक है। बस कॉमन वाला हिस्सा सिमेट्रिक डिफरेंस में आप नहीं शेड करते, बाकी वाले जो भी ए और बी है उसको आप शेड कर देते हो। और अब तीसरा और आखिरी केस है, अगर ए सबसेट बन जाए बी का। अच्छा, हम जो केस पढ़ रहे हैं वो ए सबसेट बन रहा है बी का। लेट्स से अगर आपके पास आ जाए बी सबसेट ए का, अगर आप बुक्स देखो ना किप्स की, उसमें बी जो है वो सबसेट है ए का, ये भी उन्होंने केस करवाया हुआ है चौथा, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें बस ये होना है कि जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है उसकी जगह ए आ जाएगा, जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है उसकी जगह बी आ जाएगा, बाकी बिल्कुल वही चीज़ होगी। तो वो दोबारा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दफ़ा जब आप समझ लोगे तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर बी हो या ए हो, बात एक ही है। बहरहाल जो सबसेट होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 1 2 3 है। अब अगर आप वेन डायग्राम में बी को बनाओ, बी में कितने एलिमेंट होंगे? बी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखो, ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर आप ए बनाना चाहो तो ए इतना बनेगा, क्योंकि ए के अंदर 1 2 है ना, तो ये पूरा सेट किसका बन जाएगा? ए का बन जाएगा। इसका मतलब जब सबसेट वाला केस होता है ना, तो एक सर्किल के अंदर दूसरा वाला सर्किल बना हुआ होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए यूनियन की, तो ऑब्वियसली यूनियन क्या होता है कि आप ए और बी को शेड कर दो। अब यहाँ पे बी के अंदर ही ए आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर आप बी को शेड करोगे तो ए भी साथ शेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इनका यूनियन निकालो, ए यूनियन बी जो है वो यहाँ पे बी के बराबर हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में थ्योरम्स भी डिस्कस किए थे कि जब ए सबसेट बन गया बी का, तो यूनियन लेने का मतलब सिंपल, आप एज इट इज बी लिख दो। तो मैंने बी को शेड कर दिया, उसी में ए बी आ जाएगा,
फिर दूसरी चीज़ है इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? यार देखो, एक सर्किल आपने, मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, एक सर्किल आपने यू बनाया हुआ है, एक सर्किल आपने यू बनाया हुआ है, इनमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है? मतलब ऐसा पोर्शन जिसमें दोनों बने हुए, ये वाला भाई। इस पूरे सर्किल में बी के एलिमेंट भी होंगे, लेट कर लो ये बी है और ये ए है, तो इस वाले पोर्शन में बी के भी एलिमेंट होंगे और ए के भी होंगे। इससे बाहर ये वाला रीजन जो है ना, इसमें जस्ट बी के होंगे, ए के नहीं होंगे, तो उसमें इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या होगा? ये होगा। और या वैसे भी देख सकते हो, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1.2, और 1.2 किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो आप जस्ट ए को ना शेड कर दोगे। तो सबसेट वाले केस में जो सबसेट होता है ना सेट, इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो? उसको शेड कर देते हो। डिफरेंस में आ जाओ, डिफरेंस में क्या होगा? अगर यहाँ पे आप बात करो ए माइनस बी की, मतलब जो सेट ए है ना, सेट ए को कंसीडर करो, ठीक है, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर भी आ रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। अब ये सबसेट है ना, इसका मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं, तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब आप कुछ भी शेड नहीं करोगे, तो एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन अगर आप बात करो b माइनस ए की, b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए होगा जो b के एलिमेंट है ना, 1, 2, 3, b के एलिमेंट अगर a के अंदर मौजूद है उनको कैंसिल कर दो। तो देखो b के जो एलिमेंट 1 और 2 है ना, वो a के अंदर मौजूद है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो पीछे आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और डायग्राम से आप कैसे शो करोगे? भाई ये वो रीजन है ना जिसमें a के एलिमेंट है, तो b माइनस ए में आप a के एलिमेंट कैंसिल कर देते हो ना, तो इस रीजन को आप हटा दो, बाकी जितना भी रीजन होगा वो क्या होगा? b माइनस ए होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, 1, 2 और 3, तीन एलिमेंट बनाए थे ना आपने, तो b माइनस ए क्या आया? 3 के बराबर आया। और 3 वाला रीजन कौन सा? बाहर वाला रीजन है, तो इस बाहर वाले रीजन को आप शेड कर दोगे। ये बात होगी डिफरेंस की। और उसके बाद आखिरी केस है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए यूनियन बी ये है पूरा, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे जो कॉमन है, कॉमन क्या है? ये रीजन कॉमन है, तो आप इस पूरे रीजन में से ये वाला हटा दो, मतलब ये ए जो है इसको हटा दो। जब ए को हटाओगे तो अगेन वही बाहर वाली चीज़ जो है वो शेड हो जाएगी। इस पूरे ए यूनियन बी में से जो इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना हम सिमेट्रिक डिफरेंस में, वो हटा देते हैं, तो उसमें कॉमन ये ए है। इस पूरे फिगर में से आप ए को हटा दो, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। तो ये थर्ड केस था, डिटेल से मैंने कवर किया है। अब इंशाल्लाह हम थोड़े और मजीद केस देखते हैं, अगर तीन सेट आ जाएंगे वेन डायग्राम में तो क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम के जो बेसिक केस थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए, अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़े एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि किस तरीके से वेन डायग्राम से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। देखो हर टॉपिक के एमसीक्यू समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर टॉपिक के साथ आप लोगों को बता रहा होता हूं कि इसके इस तरीके से पेपर में आएंगे, इस तरीके से पूछेंगे आपसे, तो वेन डायग्राम का भी बताऊंगा। दो तरीके से सवाल पूछ रहे होते हैं, मैं आपको बता दूंगा वो। अच्छा, अब वेन डायग्राम कुछ रैंडम ऑपरेशन है उनकी मैं बनाऊंगा। नॉर्मली जब वेन डायग्राम आप बनाते हो तो ओवरलैपिंग की बना रहे होते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है? ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। अब सबसे पहले आपने पहला ऑपरेशन देखना है, पहला ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे आप ए बना दो, ये हो गया B और ये हो गया C। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप बनाओ A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C का मतलब A और C जहां पे कॉमन है। देखो ये A का सर्किल है और ये C का है, ठीक है, तो ये वो रीजन है जहां पे A और C कॉमन है। थोड़ा सा एनालाइज करो, ये A का सर्किल यूं जा रहा है और C का सर्किल यूं आ रहा है, तो ये A और C में कॉमन है। अब इस ए इंटरसेक्शन सी में से आपने माइनस कर देना है बी का, मतलब ए इंटरसेक्शन सी में जो बी वाला पार्ट है उसको आप माइनस कर दो। तो देखो इतना सा पार्ट है ना जिसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इतने वाले हिस्से में देखो बी का सर्किल आ रहा है, ये बी यहां तक इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है इसमें बी भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस पूरे ए इंटरसेक्शन सी में से ये जो बी वाला पार्ट है इसको क्या करना है? माइनस करना है, मतलब हटा देना है। जब आप इसको हटा दोगे तो पीछे जस्ट ये वाला रीजन बच जाएगा, ठीक है, और ये वाला रीजन आप हाईलाइट कर दोगे ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी का। इस तरीके से आप वेन डायग्राम बनाओगे। पार्ट नंबर टू में देखो, पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होगा क्या?
ए यूनियन बी में आप ए को भी हाईलाइट करोगे और बी को भी हाईलाइट करोगे, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी का है जिसमें आप दोनों सर्कल को हाईलाइट कर दोगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से आपने ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। यूनिवर्सल क्या होता है, ये पूरा रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल है। अब इस पूरे रेक्टेंगल में से आपने क्या हटा देना है, ए यूनियन बी हटा देना है, ए यूनियन बी ये होता है, ठीक है। तो पूरे स्क्वायर में से जो रेक्टेंगल आपके पास बना हुआ है, स्क्वायर जो भी बोल दो, इससे आप ही ए यूनियन बी को हटा दो तो बाकी क्या बचेगा, जो ए यूनियन के बाहर है वो सब बच जाएगा, ठीक, क्योंकि ए यूनियन बी वाला हिस्सा आपने माइनस कर दिया। तो रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, ए और बी के अलावा जितनी चीजें वो सब क्या कर दोगे, आप हाईलाइट कर दोगे। इस पे आ जाओ, थर्ड में लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन का मतलब जरा इसको जरा समझो, जब भी यूनियन आ जाए ना, इसका मतलब जैसे ए यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन आ गया इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप हाईलाइट कर दो फिलहाल। तो ये ए है, ए पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ए के साथ यूनियन आ गया, यूनियन के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये मैंने पूरा ए जो है ये हाईलाइट कर दिया। फिर लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को भी आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, तो ए के एलिमेंट भी आ गए, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट भी आ गए। अब ये बी इंटरसेक्शन सी क्या है, जिसमें बी और सी कॉमन है, वो ये रीजन है, ये बी है और ये सी है, ये सी का सर्किल चल रहा है, ये बी का सर्किल चल रहा है, ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी और ये पूरा ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने वही काम किया, बी और सी वाला एरिया और ए जो पूरा सर्कल है उसको क्या कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया, शेड कर दिया। फोर में लिखा हुआ है बी यूनियन सी, उससे आप माइनस कर दो ए को। अब बी यूनियन सी क्या होगा, ये मैं अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए, डायग्राम बनी भी होगी शायद इतना अच्छा समझ ना आए। बी यूनियन सी का मतलब होगा बी और सी दोनों सर्कल को हाईलाइट कर दो, तो ये बी है पूरा हाईलाइट हो जाएगा और सी जो है ये भी पूरा हाईलाइट हो गया, बी और सी सर्कल को मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। अब इस बी यूनियन सी में से आपने ए वाला पार्ट हटा देना है। अब देखो बी और सी सर्कल में ए वाला पार्ट भी आ रहा है ना, जैसे अगर आप देखो बी और ए में देखो, ये वाला पार्ट जो है बी का जो है ये ए के साथ आ रहा है, मतलब इस वाले पार्ट में बी का सर्किल भी आ रहा है और ए का भी आ रहा है। इसी तरह सी और ए में ये वाला भी हिस्सा है जो एक है, तो आपने क्या करना है, बी यूनियन सी में से ए वाला हिस्सा जो है ना उसको हटा दो, तो ए वाला हिस्सा एक ये है और एक ए वाला हिस्सा ये है, इसको आपने हटा देना है और बाकी जो भी रीजन है वो हो जाएगा ये है, ठीक है। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये आपने हटा दिए, बाकी बी और सी शेड रहेंगे जो मैंने इस तरह बनाया हुआ है, सी भी शेड है बी भी शेड है, मतलब ये वाले रीजन जो है ना जिसमें ए आ रहा है उसको आपने हटा दिए, बाकी जो पूरा रीजन है उसको आप शेड कर दोगे। ए माइनस बी की समझना काफी इजी होती है, उसकी रीजन ये होती है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो हटा दो। तो अगर ये पूरा ए है इसमें बी के एलिमेंट यहां पे होंगे, ठीक है, अगर आप इस ए को देखो तो ए में यहां वो एलिमेंट होंगे जो बी के होंगे, तो इस पूरे रीजन को ना आप हटा दो, बाकी पूरा रीजन जो है वो ए माइनस बी होगा, ठीक है। ये वो रीजन है, जैसे यहां पे बी है ना, तो लेट कर लो बी का एक एलिमेंट थ्री है, थ्री जो है वो ए के अंदर भी है, थ्री जो है वो बी के अंदर है, कॉमन है ना, तो हम डिफरेंस में क्या करते हैं, उस कॉमन वाले को कैंसिल कर देते हैं, तो ये पूरा रीजन कॉमन वाला होगा, इस पूरे रीजन को आप कैंसिल कर दो, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। और अगर आपने बी माइनस ए निकालना हो तो रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, अब आपने बी वाले हिस्से को शेड करना है, बस उस वाले हिस्से को शेड नहीं करना जो ए के साथ आया हुआ है, मतलब आप ये कर दोगे शेड सारा, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं करोगे क्योंकि इस वाले हिस्से में ए के एलिमेंट होंगे जो आप बी से कैंसिल कर चुके होगे, तो जस्ट इस वाले हिस्से को आप कंसीडर करोगे। उसके बाद है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी जरा देख लेते हैं, ऊपर बना देता हूं मैं इसको। अगेन यूनियन का मतलब होता है दोनों आपने एलिमेंट लिखने, आपने सबसे पहले, अच्छा यहां पे ए की सेट की बात हो रही है ना, तो आप ए की सेट कंसीडर करो, सबसे पहले ए है ना और यूनियन के साथ आया, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो
तो ए को तो सबसे पहले आप शेड कर दो यूनियन, फिर है ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो बाकी सारे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो ये पूरा यूनिवर्सल है ठीक है, इसमें से मैंने ए को हटा दिया तो बाकी क्या बचेगा? बाकी ये बचेगा ठीक है। अब इनको कंबाइन देखो, ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हिस्सा है, इसका आपने यूनियन लिया है, इसका मतलब हर चीज ही आप हाईलाइट कर दोगे ठीक है। मतलब आपने क्या किया, पहले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये पूरा रीजन ए का है ठीक है, और जो बाहर वाला रीजन है ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट का है। जब आप इनका यूनियन लोगे तो दोनों को आपने कंबाइन लिखना होता है ना, तो ये वाला हिस्सा भी आ गया, बाहर वाला हिस्सा भी आ गया, इन शॉर्ट पूरा जो स्क्वायर है उसको आप क्या कर दोगे? शेड कर दोगे। लेकिन अगर यहां पे होता यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो जरा आप गौर करो, ये ए वाला रीजन और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला रीजन, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ए अलग शेड हो रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर शेड हुआ है, तो अगर इसमें इंटरसेक्शन आता, आपको पता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये एम्प्टी सेट के बराबर होता है, ये मैंने थ्योरम में बताया हुआ था। तो जब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आता आप कुछ भी शेड ना करते, क्योंकि इस वाले रीजन और बाहर वाले रीजन में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी शेड नहीं करते, रिजल्ट में एम्प्टी सेट आता है यहाँ पे, तो ये फर्क होगा इतना सा।